देखिए पहले से ही ये तय था कि मुबारकपुर में गुड्डू जमाली अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वो उनका स्ट्रांग होल्ड है वहां पर, वो पहले भी मजबूत रहे हैं। तो मुस्लिम वोट बैंक में उन्होंने बड़ी सेंध लगाई है। खुद समाजवादी पार्टी के विधायक भी जो कि आजमगढ़ से हैं, उनसे जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि लगभग 40% मुस्लिम वोट बैंक में गुड्डू जमाली जो है ओवरऑल आजमगढ़ में सेंध लगाने में कामयाब हुए हैं। अगर ये बात सही होती है तो निश्चित ही बीजेपी समाजवादी पार्टी के लिए बहुत चिंता का सबब होगी कि 40% वोट अगर गुड्डू जमाली के पक्ष में चला जाता मुस्लिम वोट बैंक, तो फिर उनकी जीतने के चांसेस जो है थोड़े से वो मुश्किल में पड़ते चले जाएंगे, या फिर जो जीत का मार्जिन है वो बहुत कम होता जाएगा। और वो समाजवादी पार्टी के लोग स्वीकार भी कर रहे हैं कि जीत का मार्जिन 50,000 के नीचे ही रहेगा। हालांकि उनके जो जूनियर कार्यकर्ता है वो तो कहते हैं 50,000 के ऊपर रहेगा, लेकिन जो पार्टी के विधायक लेवल के नेता है वो कह रहे हैं 20 से 25,000 जीत का मार्जिन जो है वो हो सकता है। तो जाहिर बात है कि अगर ये मार्जिन कम हो रहा है तो इसके लिए गुड्डू जमाली ही जिम्मेदार है। गुड्डू जमाली जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे, जितना अच्छा लड़ेंगे समाजवादी पार्टी के लिए, उतनी मुश्किल होगी और बीजेपी चाह रही होगी कि गुड्डू जमाली का परफॉर्म बहुत अच्छा हो। बिल्कुल, और ये बहुत हद तक डिसाइड करेगा चुनाव का नतीजा। एक क्लोज फाइट रहने वाली है ये तय माना जा रहा है, क्योंकि अभी से जो तस्वीर दिख रही है बहुत कम लीड है। हालांकि पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू खत्म हुई है, पहले राउंड की ईवीएम की गिनती भी खत्म हो गई और यहां पर धर्मेंद्र यादव लीड कर रहे हैं 2600 वोटों के करीब। लेकिन अब ईवीएम की गिनती होगी, सिर्फ ईवीएम काउंट होगी, तो नतीजे जल्दी जल्दी पर राउंड सामने आने लगेंगे और बहुत जल्दी ये आंकड़ा बदलेगा, तस्वीर बदलेगी। लेकिन उम्मीद कर रहे होंगे निरहुआ जहां पर भी बैठे हैं वो कि ये तस्वीर उनके पक्ष में आए थोड़ी सी, क्योंकि अभी तक 2600 वोटों से पीछे हैं। 8 लाख से ज्यादा वोट पोल हुए थे आजमगढ़ में, बहुत ज्यादा फासला नहीं है 2,000-2,500 वोटों का, लेकिन इसके बावजूद लीड जो है वो धर्मेंद्र यादव के पास है। और गुड्डू जमाली और धर्मेंद्र यादव स्ट्रांग रूम पहुंचे भी थे, निरहुआ कब तक पहुंचेंगे बड़ा सवाल था। जानकारी है कि 11-12 बजे तक वो पहुंच सकते हैं। हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ता, पोलिंग एजेंट्स वहां पर, अब मतगणना अकाउंटिंग एजेंट्स वहां पर मौजूद हैं, मतगणना लगातार जारी है। और रामपुर से जुड़ी ये बड़ी खबर है, रामपुर में बीजेपी लीड कर रही है इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। रामपुर में काउंटिंग लगातार जारी है और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है आजमगढ़ में पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म हो गई है, जो लगातार हम आपको बता रहे हैं आजम। और बड़ी खबर है बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ आगे हो गए हैं आजमगढ़ में। रामपुर, आजमगढ़ दोनों जगह बीजेपी लीड कर रही है। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है, जो निरहुआ 2019 में हारे थे वो अब लीड कर रहे हैं। ये दोनों तरफ की तैयारी देखिए, आजमगढ़ में बीजेपी आगे हो गई है, रामपुर में बीजेपी आगे है। सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे सटीक आंकड़े अब तक न्यूज स्टेट इस उपचुनाव से जुड़ा हुआ हर आंकड़ा बता रहा है। और बड़ी खबर यह है कि आजमगढ़, अखिलेश यादव जहां से सांसद हुआ करते थे, जहां से मुलायम सिंह यादव सांसद हुआ करते थे, वहां पर लीड कर रहे हैं अब बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ। और रामपुर में भी जानकारी यह है कि बीजेपी लीड कर रही है। तो रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव की गिनती लगातार जारी है। आजमगढ़ में एक बड़ा उलटफेर देख सकता है क्या, ये बड़ा सवाल। और रामपुर में एसपी के आसिम राजा फिलहाल लीड कर रहे हैं, बहुत नॉमिनल मार्जिन है, बहुत कम आंकड़ा भी फासले में दिख रहा है। वहां पर भी पोस्टल बैलेट की गिनती पहले शुरू की जाएगी, जो कायदा है। तो पोस्टल बैलेट में बहुत क्लोज फाइट दिखी है, लेकिन आजमगढ़ में एक बड़ा उलटफेर अब दिख रहा है। फिलहाल दिनेश लाल यादव निरहुआ लीड कर रहे हैं आजमगढ़ से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव लीड कर रहे हैं। सिल्वर स्क्रीन के स्टार, भोजपुरी फिल्मों के स्टार दिनेश लाल यादव, जिनके पक्ष में मुख्यमंत्री ने प्रचार किया, वो अब बढ़त पा रहे हैं। और ये बढ़त अहम इस वजह से है क्योंकि अब ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो गई है, अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, तस्वीर अब साफ होने लगेगी। और वह हर तस्वीर जिस तरह से साफ होगी, जैसे जैसे आंकड़ा बढ़ेगा घटेगा, हर वो तस्वीर आप तक लगातार न्यूज स्टेट पहुंचा रहा है। और उसी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से लीड कर रहे हैं। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग खत्म हो गई है, वहां पर धर्मेंद्र यादव लीड कर रहे थे। और सीधा रुख करेंगे अनिल का, अनिल, दिनेश लाल यादव निरहुआ लीड कर रहे हैं, कितने वोट से लीड कर रहे हैं, कितने राउंड की काउंटिंग खत्म हुई है? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने पहले कहा था कि बहुत मामूली अंतर है जो शुरुआती रुझान आए हैं, और ये रुझान किसी भी वक्त पलट सकते हैं, क्योंकि जब 8 लाख से ज्यादा वोट पड़े हों तो 2,500 जो वोट हैं वो बहुत मायने नहीं रखते हैं। तो अब जैसी खबर आ रही है कि दिनेश लाल यादव ने इस बार बढ़त बना ली है और धर्मेंद्र यादव से वो आगे निकल गए हैं,
तो ये एक अपने आप में बड़ी और चौंकाने वाली खबर, इसका मतलब साफ है कि जो कहा जा रहा था कि गुड्डू जमाली डेंट करेंगे समाजवादी पार्टी को, वो डेंट गुड्डू जमाली कर रहे हैं और उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई है। यही वजह है कि दिनेश लाल यादव अभी फिलहाल आगे निकलते दिख रहे हैं, हालांकि अभी ये तीसरा राउंड चल रहा है और ये अभी ये खबर आने अंदर से बाकी है कि टोटल वोट से कितने आगे हैं, लेकिन खबर यही है कि वो आगे निकल गए हैं धर्मेंद्र यादव से। इसके साथ साथ अनिल, जो बीजेपी के एजेंट्स दावा कर रहे थे उसमें